नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से निकाली गई बंपर भर्तियों की अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा क्योंकि बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही में दोस्तों आपको पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा एंड कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज भी आपको जो है सबसे पहले मिल सके एंड आपकी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर सूचना यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति का पर जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको विज्ञापन और निविदाएं का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पर जाकर के जो है आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर कोई भी वैकेंसीज का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहां पर सर्च करके अप्लाई के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। एंड दोस्तों, यहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2022 का दोस्तों यहां पर पंचायत सेक्रेटरी के पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं। ग्राम सेवक के पदों के बारे में बात कर लें तो 7460 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं ग्राम सेवक के पद के लिए और पंचायत सचिव के 5051 पद रखे गए। दोस्तों, कई कारणों से जो है ये वैकेंसीज आपको जो है दिसंबर में निकाल देनी थी, लेकिन दोस्तों अभी जो है दिसंबर में ना निकाल करके जनवरी 2022 में इन वैकेंसीज को निकाला जा रहा है। वहीं दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायती राज विभाग भारत के विभिन्न पंचायतों में ग्राम सेवक पंचायत सचिव के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। मतलब कि दोस्तों, भारत के जितने भी ग्राम पंचायत या फिर पंचायती राज विभाग है उनमें दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राम सेवक और पंचायत सचिव मतलब कि सेक्रेटरी के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो इच्छुक अभ्यर्थी निर्देशित विभाग की वेबसाइट पर दी हुई दिनांक से पहले आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है आपकी जो लास्ट डेट रहेगी उससे पहले पहले आप इन भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कर लें। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भर्ती 2022 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करें विभाग के नाम के बारे में तो ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों रूरल डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसीज रखी गई हैं। साथ ही में पद विवरण के बारे में बात कर ले तो आप सभी को पता है दोस्तों, ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पद दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 12541 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। जी हाँ दोस्तों, 12541 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात कर ले आवेदन के तरीके के बारे में तो आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में शैक्षणिक योग्यता आपकी अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। साथ ही में दोस्तों, विभागीय वेबसाइट मतलब की ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लें तो rural.nic.in पर जाकर के आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक एंड ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर आधारित इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले आप जो है आवेदन जरूर कर लें। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लें तो ग्राम सेवक पद के लिए दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपको स्थानीय भाषा मतलब की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है। वहीं दोस्तों, पंचायत सचिव पद के लिए अगर आप 12वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपको लोकल लैंग्वेज जो भी आपके
जो आपके क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको आपके पास में होना बेहद जरूरी है। बात करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो दोस्तों चयन प्रक्रिया आपका जो है लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा, मतलब कि रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि आपका ऑफलाइन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा, इसी के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं, मतलब कि दोस्तों सिलेबस के बारे में, आपको यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है तो सिलेबस के बारे में बात कर लें। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो है आपसे पूछी जाएंगी, मतलब कि जो करंट अफेयर्स ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपसे पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। एंड दोस्तों भारतीय राजतंत्र और शासन से जो टॉपिक आते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि को आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी जो है आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे की जो पर्यावरण परिस्थिति की एंड जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इनको आपसे अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही में सामान्य विज्ञान मतलब की जनरल साइंस आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। बौद्ध गम्यता मतलब की जी आपसे पूछा जाएगा। संचार कौशल सही अंतर व्यक्ति कौशल आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। निर्णय लेना और समस्या समाधान सामान्य मानसिक योग्यता आधारभूत संख्यान। एंड इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है इसमें दोस्तों मैथ रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा और इसमें आपका इंग्लिश यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों मैथ इंग्लिश जीके और जीए यहाँ पर ये चार चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इस जगह पर आपका जो है इंग्लिश का पार्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मतलब कि इंग्लिश का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार संभावित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना होगा। मतलब कि दोस्तों जो आपका पेपर होगा ये आप सभी को पता है कि ऑफलाइन होगा, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एबीसीडी टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको एक नोट और दिया गया है, परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक मतलब कि लगभग 27% या 66 अंक प्राप्त करने होंगे। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर कोई भी उम्मीदवार पेपर में सिर्फ 33% अंक प्राप्त करता है तो उसे यहाँ पर पास माना जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर वो 33% अंक से कम यहाँ पर अंक अर्जित करता है तो उसे फेल माना जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लगभग 27% मतलब कि दोस्तों 100 में से 27% आपको ठीक करने होंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आप यहाँ पर 66 अंक प्राप्त करते हैं तो भी आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। वहीं दोस्तों कट ऑफ का जो निर्धारण हो वो प्रश्न पत्र के आधार पर, मतलब कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें कितने नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपका जो है कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो दस्तावेज सत्यापन दोस्तों आपका जो रहेगा ये चयनित छात्रों की अंतिम सूची मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रहेगी। मतलब कि दोस्तों जो वहां पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी एग्जाम के आधार पर की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों विभिन्न पद के लिए वेतनमान जो आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, तो दोस्तों जो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 1, 2 और 3 पर रहेगी जो कि आपकी 25,500 रुपये से 35,500 रुपये तक आपको मिलने वाली है। मतलब कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड सातवां वेतन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पे मैट्रिक्स मिलेगा। साथ में दोस्तों अन्य भत्ते भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। आईयूसी में दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि दोस्तों जो आयु में छूट दी जाती है उसको छोड़ करके, मतलब कि एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की जो छूट दी जाती है एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 3 साल की जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट दी जाती है उसको छोड़ करके यहाँ पर 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एससी एसटी वाले 45 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले कैंडिडेट 43 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर सामान्य की जो है एज यहाँ से चेक कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी एंड एमबीसी शहरी श्रेणी के जो है एज यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही मृतक पुलिस कर्मियों एवं राज्य कर्मचारी के आश्रितों की जो है एज यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूर्व सैनिक की एज यहाँ से चेक कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो चयन प्रक्रिया आपकी जो रहेगी ये आप
जो है ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से रहेगी। आवेदन शुल्क जो आपका रहेगा दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी कैंडिडेट को ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। वहीं दोस्तों अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या फिर अन्य सभी आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। आवेदन दोस्तों आपको कैसे करने हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rural.nic.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2022 में स्टार्ट होंगे एंड दोस्तों फरवरी 2022 आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों इस लास्ट डेट को जो है आगे तक बढ़ाया भी जा सकता है जब तक कि इनकी जो वैकेंसीज के फॉर्म की कंप्लीट यहां पर नहीं हो जाते, मतलब कि दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहेगी इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जो जनवरी 2022 में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड फरवरी 2022 आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी। परीक्षा की तिथि के बारे में बात करें तो जुलाई अगस्त 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो फ्रेंड्स जुलाई अगस्त 2022 तक आप जो है तैयार हो जाइए, इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी एंड आप सभी इस भर्ती से संबंधित अगर कोई भी आपके जो है मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। साथ ही फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस भर्ती से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।